अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 69 है और आज हम करने वाले हैं प्रोसीडो एलिमेंट सिलेक्टर्स। ठीक है, पहले हमने ये बिफोर और आफ्टर सिलेक्टर जो है हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारे पास ये जस्ट फोर सिलेक्टर्स हैं जिसको आज हम करेंगे। ठीक है, प्लेस होल्डर है, सिलेक्शन है, फर्स्ट लाइन है और फर्स्ट लेटर है। प्लेस होल्डर का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी इस तरह का फॉर्म होता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे जो आपको खाली जगह नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आप इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह डेकोरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप कोई भी वर्डिंग जो है वो लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप किस तरह लेके आएंगे, आप इसको प्लेस होल्डर को यूज करते हुए लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास जो लेबल के अंदर फर्स्ट यहाँ पे इनपुट आपने यूज की है, यहाँ पे आना है आपने और यहाँ पे आपने लिखना है प्लेस होल्डर। ठीक है, और देन यहाँ पे आपने कोई भी वैल्यू जो है वो देनी है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी आप इसे कॉपी कर लें, कंट्रोल सी से यहाँ पे कॉपी किया, कंट्रोल वी किया। ठीक है, और यहाँ पे आप कोई वैल्यू और कर दें, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक है, ये जस्ट हम टू ही कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे जाकर मैं इसको रन करूंगा। ये देखिए, यहाँ पे इंटरव्यूअर नेम और शफीक जो है वो यहाँ पे आ चुका है। हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम इसकी जो सीसेस वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम जस्ट यहाँ पे आएंगे, इसके आप डबल कॉलन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्लेस होल्डर, सिलेक्टर शुरू किया आपने। ठीक है, और देन आप यहाँ पे इसका कलर जो है वो कोई भी कर लें, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ यहाँ पे ब्लू। ठीक है, आप फॉन्ट साइज कर ले इसका। ठीक है, मैं कर लेता हूँ 15 पिक्सल। ठीक है, आप इसका बैकग्राउंड कलर ले लें, वो आप कोई भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ पिंक। ठीक है, और सिलेक्टर का क्लोज करेंगे और देन आप इसको सेव करके यहाँ पे रन करें। ये देखें, यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह की डेकोरेशन नजर आएगी। आप इस तरह पूरे फॉर्म के अंदर या पूरी साइड के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्लेस होल्डर के बाद है सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास कोई भी इस तरह हमने ये पैराग्राफ्स वगैरह को और यूएल जो है इसको हमने रन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखें, हम कोई भी चीज सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट, मैंने वहां पे इसकी सेस की हुई है। ठीक है, देखें एक मिनट, इसको मैं फिलहाल यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, इसको सेव करते हैं। ये देखिए, जब हम जो ऑटोमेटिकली होता है वो ब्लू कलर आता है, आप कोई भी चीज यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कॉपी करने के लिए या कट करने के लिए, ये देखिए ब्लू कलर आ रहा है। ठीक है, आप इसको कहते हैं सिलेक्शन सिलेक्टर। ठीक है, आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं ये देखिए। ठीक है, इसको चेंज करने के लिए हमारे पास सिंपल है कि आप यहाँ पे आओगे, आपने पी यूज किया, देन डबल कॉलन आपने यूज किया, देन आप क्या करोगे, जो आपका सिलेक्शन है आप उसको यूज करेंगे। ठीक है, और देन आप यहाँ पे जाओगे, कोई कलर आप ले लोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कलर ले लिया हमने यहाँ पे रेड। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आप ले लो। ठीक है, वो आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कि आप ले लो पिंक। ठीक है, आप बस ये। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे रन करते हैं जाके। देखिए, आप जैसे जैसे इसको करेंगे, ये देखिए सिलेक्शन करेंगे तो ये पिंक हो जाएगा। यहाँ पे हमने यूएल के ऊपर नहीं लगाया। ठीक है, तो आप यूएल के ऊपर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जस्ट एलआई के लिए, यहाँ पे आपने एलआई लेना है। ठीक है, इसको सेव किया। ठीक है, ये देखें, ये वहां एल आई जो है ये सिलेक्ट हो रहे हैं जो आप कलर दे चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कि फर्स्ट लाइन क्या होता है और फर्स्ट लेटर क्या होता है। फर्स्ट लाइन का मतलब होता है कि आपके पास जितने भी पैराग्राफ्स हैं उसकी जो फर्स्ट लाइन है आप उसको किस तरह
डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेटर का मतलब है आपके जो जितने भी पैराग्राफ्स होंगे, एल आई होंगे, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा आप उसको किस तरह कैप्चर या डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम फर्स्ट लाइन वाले देखते हैं। तो आपके पास सिंपली देखें पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, हम कुछ डेटा कॉपी करके, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, ताकि आपके पास पैराग्राफ्स बड़े हो जाए। ठीक है, इसको सेव करते हैं और आप जाके इसको रन करते हैं। देखिए तो कुछ पैराग्राफ्स बड़े हो चुके हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे जो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे सिंपल पी लिखेंगे और यहाँ पे आएंगे और इसी को हम चेंज कर लेते हैं। हमने जो अभी करना है उसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम जाके इसका फॉन्ट साइज भी देंगे। ठीक है, आप कुछ इतना भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कर 20 पिक्सल। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको रन किया। ये देखें जितने भी पैराग्राफ थे उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। उसका कलर, फॉन्ट साइज, ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। इसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन सिलेक्टर, यानी कि अब जितने भी पैराग्राफ्स होंगे उसकी फर्स्ट लाइन जो होगी उसी को सिलेक्ट करेगा। इसके बाद है फर्स्ट लेटर, यहाँ पे आप जाएंगे सिंपल। अब ये क्या करेगा कि आपका जो उनसे पहला वर्ड होगा पैराग्राफ्स का उसको उसी को ही जस्ट हाईलाइट करेगा। ये देखें, ये हम यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज जो है वो काफी बड़ा करते हैं। मैंने यहाँ पे 40 कर दिया। ठीक है, ये देखें, ये फर्स्ट फर्स्ट लेटर है ये यहाँ पे डेकोरेट हो चुका है। आप इस तरह पूरे पेजेस के अंदर इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो काफी समझ आई होगी, काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ रहे। वीडियो को देखने के बाद लाइक, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल के साथ रहें।